सो हरे कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज बहुत दिनों बाद एक नए एक्सटेंशन की वीडियो लेकर आई हूँ। पता ही था सब कि कितने फेस्टिवल्स थे, तो मैं बहुत बिजी हो गई थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए सॉरी। बट आप देख सकते हो मैं एक नए एक्सटेंशन का वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ईजी और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपको। तो ये क्लाइंट के नेल्स हैं, ठीक है। तो मैंने नेल्स को ना पहले एसीटोन ट्री से क्लियर कर दिया है, हम इसके बाद पुशर के मदद से इसको पुश कर रही हूँ सारे नेल्स को, ठीक है। हमें जगह निकाल लेना है जितना हो सके, और इनके नेल बीड जो है काफ़ी छोटे छोटे थे। और फिर क्या करना है ना, इसको क्यूटिकल कटर से कट करना है, पर उन्होंने बोला है मैंने, मेरे को डर लग रहा है तो मैंने इसलिए क्यूटिकल कटर से नहीं काटा है, और उनकी ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। और मैं ये नेल टिप सिलेक्ट कर रही हूँ उनके साइज़ के, तो सिलेक्ट हो गया है। अभी मैं इसको फाइल कर रही हूँ, नेल्स को बराबर कर रही हूँ ताकि साइड से कोई कॉर्नर छूट ना जाए, नहीं तो ना वो नेल्स जो हम चिपकाएंगे उसके ऊपर वो छूटने लगेगा। अब ये मैं ब्लॉक बफर से ड्राई कर रही हूँ नेल्स को, ठीक है। और फिर से एक बार मैं नीट कर रही हूँ नेल्स को ताकि कहीं से कुछ भी ना निकला हुआ रहे। मेरे नेल्स जो है काफ़ी देर तक टिके हुए रहे, तो मैं एक ग्लू के मदद से नेल टिप्स में मतलब लगा रही हूँ नेल्स के ऊपर, फॉल्स नेल्स टिप्स जो है। तो इनके नेल बीड्स तो काफ़ी छोटे छोटे थे, तो आधा आधा जगह तो नेल्स ही ले रहे थे ये जो फॉल्स नेल्स थे। और इनको जो चाहिए थे ना साइज़, मीडियम साइज़ का नेल्स चाहिए था इनको, ठीक है। और थोड़ा सा ओवल शेप में इनको चाहिए था। तो मैं सारे नेल टिप्स को लगाने के बाद जो है मैं काफ़ी मतलब उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिखाया है कि कैसे चाहिए नहीं चाहिए, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैंने नेल्स कट किए। फिर मैंने ना ये नेल्स को एकदम साइड से नीट कर रही हूँ मैं, ताकि जो है इस मतलब नेचुरल नेल और जो फॉल्स नेल्स है वो समझ में ना आए कि क्या कौन सा असली है और कौन सा नकली, उसको मर्ज करना रहता है। और यहाँ पर मैं शेप भी दे रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मैं सारे नेल्स के ऊपर सेम चीज़ अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो जगह बना है ना जहाँ से हम नेल को चिपकाए हैं, जो आधा हिस्सा जो दिखता है वो ना दिखे, एकदम जो जैसे लगे कि मतलब वो उनका ही नेल्स है, ऐसे हमें उसको फाइलर की मदद से फाइल करना है और तभी शेप भी क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो उन्होंने तो ओवल शेप मांगा था, तो मैंने वही ओवल राउंड शेप में कर दी हूँ मैं। और उसके बाद हमें ना जितनी भी चिकनाहट है उसको निकाल देना है, जो फॉल्स नेल्स है उसके ऊपर काफ़ी चिकनाहट रहती है जिसको हमें निकालना है, नहीं तो उसके ऊपर जो है प्रोडक्ट नहीं चिपकेगा, या फिर चिपकेगा भी तो ऊपर से वो ना निकल आएगा, ठीक है, कुछ दिनों बाद। तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई कर रही हूँ नेल कटिंग के टाइम, आप देख सकते हो दो तरफ से मैं इसको काट दे रही हूँ, फिर मैं ना शेप दे रही हूँ राउंड, तो ये ईजी ज़्यादा होता है। तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट करके मैंने दिखाया हुआ है, नहीं तो ये वीडियो करीब 30 मिनट का बन जाता, आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए मैंने सिर्फ 6-7 मिनट का ही बनाया है। आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप एंड तक बने रहो, देखो तो आपको बहुत इजी लगेगा प्रोसेस, और आप लोग सीख जाओगे। जो भी मतलब सीखना चाह रहे हो कि नहीं मुझे नेल एक्सटेंशन सीखना है और बिजनेस करना है, तो आप देखो सीखो, आपको अच्छा लगेगा और आप सीख भी जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ये जो है मैं बिल्डर जेल अप्लाई कर रही हूँ, नहीं सॉरी ये बिल्डर जेल नहीं है, ये एक्रिलिक पाउडर है। तो ये एक्रिलिक पाउडर मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वॉइस ओवर डाल रही हूँ, तो मुझे याद नहीं था, इसलिए ब्रश देख कर मुझे याद आया कि हाँ ये तो एक्रिलिक का ब्रश है। तो हाँ ये मैंने एक्रेलिक प्रोडक्ट से मैंने किया है, पहले जो है क्लियर पाउडर से मैं मोनोमर में डिप कर करके मैंने ना बेस बना लिया है। तो बेस बनाने के बाद क्या करना है, हमें अच्छे से फाइल करना है, क्योंकि अगर ऊपर में कुछ टेंशन बम जो है छूट जाते हैं जो, तो उसको हमें अच्छे से उसे क्लियर कर लेना है, शेप भी नीट कर लेना है, क्योंकि इधर उधर निकला हुआ रहता है प्रोडक्ट।
तो स्मूथ कर लेंगे उसके सरफेस को अच्छे से अच्छे तरीके से, और ट्राई करेंगे कि जब हम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तभी जितना हो सके उतना स्मूथ अप्लाई कर लें, क्योंकि एक्रेलिक का प्रोडक्ट जो है हार्ड हो जाता है, उसको मतलब फाइलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, ड्रिल का यूज़ करना पड़ता है। पर मैंने यहाँ पे ड्रिल का यूज़ नहीं किया है, मैंने जो है यही एमरी बोर्ड का यूज़ किया है, और उसके बाद मैं करूँगी ब्लॉक बफर से ब्लॉक बफ। तो मैंने कर दिया है, फास्ट में दिखाई हूँ, तो उस वो करने से जो है स्क्रैचेस जो है वो हट जाते हैं, ठीक है, एमरी बोर्ड के स्क्रैचेस जो है वो हट जाते हैं। और यहाँ पे मुझे क्लाइंट दिखा रही थी कैसा डिज़ाइन चाहिए, वो थोड़ी न्यूड पिंक में, पीच पिंक में जो है नेल पॉलिश मतलब जेल पॉलिश जो है अप्लाई की थी, बेस जो है उनका था, और ऐसे रिंग फिंगर पर ऐसे छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए थे, जिनके बीच में जो है ना ग्लिटर ग्लिटर के जेल पॉलिश थे, ठीक है, ग्लिटर लगा हुआ था। तो ये एक एक चीज़ हमें अलग अलग से क्योर कराना था, क्योंकि ख़राब हो सकता है हाथ लग के। और ये जो है मिडिल फिंगर पे डार्क पिंक शेड का, और जो है छोटी वाली फिंगर पे भी डार्क पिंक शेड का, कुछ मतलब फ्रेंच टाइप का लुक था उसका, अलग सा, ठीक है, डिफरेंट सा एडवांस लुक था। और ग्लिटर से ऐसे फ्रेंच को जो है हमने बॉर्डर कर दिया बीच में, ठीक है, ग्लिटर वाली जेल पॉलिश से। तो और उनको वो जो डिज़ाइन दिखाई थी वो जस्ट ऐसे नॉर्मल थी, एक एक फिंगर पे ही बस स्टोन लगी हुई थी, पर मैंने कहा कि नहीं थोड़ा बहुत मतलब सब फिंगर्स पे अगर रहेंगे तो लुक ज़्यादा अच्छा आएगा, ज़्यादा मतलब जो है मतलब बढ़िया लुक आएगा एक, तो इसलिए मैंने ये एडवाइस किया था, और उसको अच्छा भी लगा था बाद में, ठीक है। आप भी देखते रहो, ये मैंने क्योर कराने के लिए मशीन में डालने बोला था, अब ये टॉप कोट लग रहा है, ठीक है। टॉप कोट लगाने के बाद हमें क्योर नहीं कराना है, अगर हमको स्टोन्स वगैरह लगाना है तो इसके ऊपर ही हम स्टोन्स अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो मैं स्टोन्स अप्लाई कर रही हूँ धीरे धीरे, तो ये स्टोन्स अप्लाई का टाइम बहुत मतलब ध्यान देना पड़ता है, इधर उधर अगर हो जाता है स्टोन फिर उसको ठीक सही से लगाना पड़ता है, फिर क्योर कराना पड़ता है। ये इंडेक्स फिंगर में मैंने सारे मतलब जो है क्यूटिकल्स एरिया को कवर करते हुए मैंने स्टोन्स लगाए हैं, और थंब पर भी, ठीक है, और बाकी नेल्स पर जो है मैंने एक 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 स्टोन लगाया हुआ है, देख सकते हो आप। और मैं लास्ट में ये ड्राई होने के बाद में नेल्स मैं ये क्यूटिकल ऑयल लगा रही हूँ, जितने भी ड्राइनेस है वो हट जाए इस वजह से। और आप लास्ट रिजल्ट देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल आया है, और क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा खुश थी, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको कैसा वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहो। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।